सबसे बड़े प्राइवेट बैंक HDFC को लगा एक और झटका। RBI ने लगाया 10 लाख रुपए का जुर्माना, जानिए वजह। नमस्कार दोस्तों, देश के सबसे बड़े निजी सेक्टर के बैंक HDFC बैंक को एक और बड़ा झटका लगा है। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने HDFC की डिजिटल बिजनेस जनरेटिंग गतिविधियों और नए क्रेडिट कार्ड की सोर्सिंग पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद अब बैंक को एक और बड़ा झटका लगा है। RBI ने HDFC बैंक पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया। HDFC ने इसके बारे में स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग को जानकारी दी है। RBI ने सब्सिडियर जनरल लेजर यानी SGL में तय न्यूनतम पूंजी नहीं बनाने रखने के चलते HDFC पर यह जुर्माना लगाया है। RBI की SGL बाउंस होने के चलते बैंक पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया गया है। बैंक द्वारा नियमों की अनदेखी के कारण RBI ने 9 दिसंबर को निजी सेक्टर के सबसे बड़े बैंक पर यह जुर्माना लगाया। RBI की ओर से जारी की गई नोटिफिकेशन में कहा गया, SGL बाउंस होने के चलते HDFC पर 10 लाख रुपए का मॉनिटरी जुर्माना लगाया जा रहा है। दरअसल 19 नवंबर को HDFC के SGL अकाउंट में अनिवार्य न्यूनतम रकम कम हो गई थी। सिक्योरिटीज बैलेंस में आई कमी के चलते ये जुर्माना लगाया गया है। आपको बता दें कि SGL एक तरह का डीमैट अकाउंट होता है, जिससे बैंकों द्वारा सरकारी बॉन्ड रखा जाता है। गौरतलब है कि हाल ही में RBI ने HDFC बैंक की डिजिटल लेन देन पर रोक लगाई थी। RBI ने HDFC बैंक के डिजिटल बिजनेस जनरेटिंग गतिविधियों पर रोक लगा दी थी। वहीं HDFC क्रेडिट कार्ड की सोर्सिंग को भी रोक दिया था। बैंक पर लगाए गए इस जुर्माने का ग्राहकों पर कोई सीधा असर नहीं होगा। बैंक में उनकी जमा पूंजी, मिलने वाले ब्याज आदि किसी पर कोई असर नहीं होगा। ऐसे में खाताधारक को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।